शिक्षा खंड फतेहपुर के अध्यापकों ने शुक्रवार को पीटीए प्रधान बबलू संधू की अगुवाई में प्रारंभिक खंड शिक्षा अधिकारी फतेहपुर प्रवीण सारता के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजकर पुरानी पेंशन स्कीम बहाल करने की मांग की। इस मौके पर जहां पीटीए प्रधान सहित गैर शिक्षक कर्मचारी महासंघ ब्लॉक फतेहपुर प्रधान संजय गुलेरिया सहित अन्य ने पहले तो केंद्र सरकार से यही उम्मीद जताई कि सरकार कर्मचारियों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल करेगी, लेकिन फिर भी पुरानी पेंशन स्कीम बहाल नहीं की जाती है तो मजबूरन कर्मचारियों को सड़कों पर उतरना पड़ेगा। अच्छा सर, आप ये मेमोरेंडम दे रहे हैं किस बारे पे है जी? ये हमारे अखिल भारतीय शिक्षक संघ की तरफ से हमें आदेश हुए हैं कि जो पेंशन बंद की गई है केंद्रीय सरकार द्वारा, वो दोबारा से बहाल करके उन कर्मचारियों को फ़ायदा दिया जाए, क्योंकि जब व्यक्ति वृद्ध हो जाता है उसके बाद एकदम से उनकी वेतन रुक जाता है और वो दूसरे पर डिपेंड हो जाते हैं, इसलिए उनको बुढ़ापे में कोई सहारा नहीं होता है। इसलिए किनको भेजा जा रहा है ये माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी को भेजा जा रहा है। प्रधान जी, ये ज्ञापन दिया जा रहा है, क्या क्या समस्या है इसमें कि अगर ये स्कीम लागू रहती है तो क्या क्या समस्याएं आएंगी आगे भविष्य में? भविष्य में जब वैसे जो अभी रिटायर हो रहे हैं उनको बहुत कम पेंशन लग रही है, 500 और 200 रुपये पेंशन लग रही है, जिससे कि गुजर बसर करना बहुत मुश्किल हो रहा है परिवार का। तो हम चाहते हैं कि पुरानी पेंशन जो है फिर से बहाल हो, पुरानी पेंशन मिले ताकि बुढ़ापा जो है वो अच्छे से गुजरे और बच्चे भी सेवा करें। अच्छा, तो ये अगर सरकार इस बात को नहीं मानती है केंद्र सरकार, तो फिर आगे की रणनीति क्या रहेगी? हम ये सोच के नहीं चलेंगे, नहीं मानेगी, हम ये सोच के चलेंगे कि सरकार मानेगी, हर हालत में मानेगी, या नहीं तो सड़कों पे उतरना पड़ेगा तो तब भी हालत। मैडम, ये अध्यापकों ने ज्ञापन दिया आपको, तो ये किस बारे में आप इस पर क्या कार्रवाई करेंगे? ये जैसा कि मेरे को पीटीएफ द्वारा दिया गया है अध्यापकों द्वारा, और इसको मैं आगे सरकार के पास सौंपूंगी, सरकार को पहुँचा देंगे। हिमाचल एक्सप्रेस के लिए फतेहपुर से सुरेंद्र विनाश की रिपोर्ट।